हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि थोड़ा सा साइडवेज व्यू है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। आज अगर आप देखो तो 10,150 का सपोर्ट लेकर वापस एक बाउंस बैक दिया है। क्लोजिंग जो है थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ और मुझे लगता है यहाँ से एक बार वापस 10,450 10,500 तक के लेवल वापस रिटेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। सो यहाँ से भी थोड़ा बाय एंड डिप स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और 10,450 10,500 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में भी सेम है, बैंक निफ्टी में भी 21,000 के आसपास बार बार ये सपोर्ट लेकर ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है इसमें भी एक बार 22,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए 20,900 के स्टॉपर्स के साथ। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में माइंडट्री सेल दिया था 940 के नीचे, 925 का टारगेट था, इसमें लो बनाया 927, तो ऑलमोस्ट इसमें टारगेट अचीव हुआ है। MFSL मैंने सेल दिया था, इसमें इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना, इसमें 500 का जो टारगेट था वो अचीव हुआ है। TCS मैंने आपको बाय दिया था बट TCS का बाय ट्रिगर हुआ नहीं क्योंकि 2130 के ऊपर बाय था, 2130 के ऊपर बाय था, 2127 तक हाई बनाया है। ये था अपडेट जो कॉल दिए थे मैंने लास्ट वीडियो में। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहला स्टॉक होगा गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में लग रहा है और आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है 670-678 के ऊपर, तो मुझे लगता है यहाँ से एक बार 700 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है, 1300 के सपोर्ट से ये बार बार ऊपर ही आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से इसमें भी एक बार 1400 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो कोटक बैंक भी काफी अच्छा बाय रहेगा कल के सेशन के लिए। एंड लास्ट स्टॉक होगा सन टीवी। सन टीवी मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव लग रहा है और 400 के नीचे क्लोजिंग दिया है, इसमें मुझे लगता है एक बार 380-370 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो सन टीवी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।